नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी कर पर। जीके ट्रिक की सीरीज का हमारा यह थर्ड वीडियो है। आज का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की ट्रिक। ये सामने लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की ट्रिक। ट्रिक को बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सामान्य जानकारी दूंगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। संयुक्त राष्ट्र एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसे हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं, यूएन कहते हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई। इसका उद्देश्य था विश्व की शांति स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय देशों को सुरक्षा प्रदान करना, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक दायित्व तो हैं उसका निर्वहन करना, पूरे विश्व का विकास करना इस यूएन का उद्देश्य है। इसमें कुल वर्तमान में 193 मेंबर्स हैं, 193 सदस्य हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुरक्षा परिषद की, तो सुरक्षा परिषद इसे हम कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद को P5 भी कहा जाता है, परमानेंट मेंबर्स। एक सौ तिरानवे देश में 5 ऐसे देश हैं जिनके पास स्थायी सदस्यता प्राप्त है और ये वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीटो पावर इसका अर्थ होता है अनुमति नहीं देना। तो 5 ऐसे देश हैं जिन्हें हम P5 देश कहते हैं, इनके पास वीटो पावर है। तो ये किसी भी जो भी प्रस्ताव आए, कोई भी व्यक्ति सदस्य 5 सदस्य देशों के सदस्यों में अगर वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं वीटो पावर। तो 5 देश की ट्रिक मैं आपको चुटकियों में याद करा दूंगा, और ये है 5 देश कार में बॉयफ्रेंड। आपको याद रखना है कार में बॉयफ्रेंड, बहुत सिंपल ट्रिक है। तो ये जो 5 आपको अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, ये 5 देशों के बारे में है। पहला है सी से चाइना, ए से अमेरिका, आर से रशिया, बी से है ब्रिटेन, और एफ से है फ्रांस। दोस्तों, ये था परमानेंट 5 या P5 सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों की ट्रिक, जो चुटकियों में आपको याद हो गई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही अलग अलग ट्रिक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ना दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपको किस विषय में और किस प्रकार की ट्रिक चाहिए, आप हमें टॉपिक कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।